हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ और आज तो मैं घर पे ही हूँ। मुझे अभी काम वगैरह करना है जो उठ के हम सब करते हैं। योगा वोगा करूँगी, फिर मैं पानी पीऊँगी, गर्म पानी पीती हूँ मैं उठ के, और उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट पानी वगैरह पी के। फिर मैं करूँगी काम जो डेली का काम होता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा वगैरह, घर सफाई। और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी कि मैंने क्या क्या किया है। तो अब मैं चलती हूँ योगा करने के लिए, फिर मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद मैं वो नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे हो रही है मेरी साफ़ सफाई। मैंने सोचा फ़ैन भी थोड़ा गंदा हो रहा था, तो मैं फ़ैन्स की सफाई कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि गर्मियों में ना जब फ़ैन हम यूज़ करते हैं तो वो जल्दी गंदा हो जाता है सर्दियों के वो से अगर हम कंपेयर करें तो। और यहाँ पे फिर मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, ये मेकअप का सामान है तो मैंने सिर पे इसलिए बांध लिया था क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो इसलिए मैं ये सब कुछ अच्छे से डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर रही हूँ। और सब चीज़ मुझे ना थॉरली अच्छे से करना फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं घर पे रहती हूँ तो फिर मैं ऊपर ऊपर से नहीं कर सकती, तो यहाँ पे मेरी काम हो रही। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं दोबारा सो के उठ गई हूँ। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। और अभी मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया, मैंने ब्रश भी कर लिया है और मैंने चाय भी पी ली है, मैंने योगा वगैरह भी कर लिया है। तो वो सब करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मुझे निकलना है अपने इवेंट पे। तो अभी मैं नहा वहा के फिर रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ। मौसम बड़े ठंडा ठंडा सा हो गया 2-3 दिनों से, मतलब मज़ा आ रहा है। ठंड ठंड सी लग रही थी मुझे रात को, इतने 2-3 पे फैन चल रहा था लेकिन मुझे ना ठंड ठंड सी लग रही थी, मैंने कुछ ओढ़ा नहीं था। तो देखते हैं कैसा रहेगा बाहर निकल के मौसम, वो तो बाहर निकलने के बाद पता चलेगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं, हाँ अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर तैयार होके आप लोगों से मिलती हूँ। को क्या पता नहीं क्या बोल रही हूँ, फिर तैयार होके आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोग मेरे साथ तब तक बने रहें। तो जी मैं हो गई हूँ अब नहा शहा के रेडी, और ये देखें ये मैंने पहना है और मैं निकल रही हूँ अपने इवेंट के लिए। फिर मैं आप लोगों से वहाँ पर पहुँच के मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं मेट्रो से उतर चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अपने इवेंट की तरफ, तो थोड़ा सा चलना पड़ता है मेट्रो स्टेशन से उतर के, फिर शटल लेनी पड़ती है। और मैं अभी अपना लंच कर रही हूँ, ये देखें हमारा लंच। तो मैं लंच करके फिर अंदर जाऊँगी, फिर जब मैं शाम को निकलूँगी फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये हो गई है शाम और मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, मेट्रो का वेट कर रही हूँ घर वापसी आने के लिए, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। एंड दिस इज़ माई सेकेंड डे और मैं आप लोग से मिलती। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये मैं इवेंट पे जा रही हूँ तो मैं वहाँ पर पहुँच रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। सो मैंने एंट्री कर ली है, ये मैं जा रही हूँ अंदर और यहाँ पे बस म्यूज़िक का है, स्मार्ट होम एग्जीबिशन है तो यहाँ पे सारी म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें हैं और सेंसर्स जो घर पे लगते हैं स्मार्ट होम्स में, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा मेरा इवेंट। तो शाम हो गई है और अब मैं घर जा रही हूँ। मैं अंदर ठंड से मर गई, इतनी ठंड लग रही थी मुझे, बाय गॉड, एसी इतना लो रहता है ना और इतनी ठंड लगती है। बाहर निकल के ना गर्मी लग रही है तो अच्छा लग रहा है। तो अब हम चलते हैं मेट्रो की तरफ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से घर जाके। एंड फाइनली दिस इज़ माई थर्ड डे, तो मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ इवेंट की तरफ। और ये इवेंट पे एक बर्स टाइप कुछ था, मतलब ये शो के लिए लगाया हुआ था, तो उसको मैंने लिया। ये रहा म्यूज़िक सिस्टम, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी लाउड, मतलब लाखों के म्यूज़िक सिस्टम्स थे ये सारे, लाख और 75,000, 60,000 आउट ऑफ द बजट। बहुत अच्छा अच्छा म्यूज़िक सिस्टम था, तो मैं इन सब चीज़ों कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा था। गाना भी लगा हुआ था इसी इवेंट में, जान सी लग रही थी, पर मज़ा आ रहा था। जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगे और आपको बाहर धूप में आने का मन हो
तो वैसी सिचुएशन है मेरी, क्योंकि मैं अंदर ठंड से मर गई थी और अब मैं बाहर ही, अब मैं लंच करूँगी फिर मैं अंदर जाऊँगी और मैं घर पहुँच गई हूँ। इतनी ठंड होती है वहाँ पे, अब जाके मुझे सुकून आया है और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है घर में। मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी है तो हैंड वॉश मैंने कर लिया है और अब मैं फेस वॉश करूँगी, ड्रेस चेंज करूँगी और मैं देखती हूँ खाने में क्या है और मैं चाय भी बनाऊँगी। पहले पानी पी लेती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ बन क्या रहा है। और यहाँ पे दीदी ने बना रखा है छोले चना। वाओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि ना मैंने लंच 3 बजे खा लिया था और लंच मेरे पास ना आज, मतलब मैं फुल टिफिन करके नहीं लेके गई थी, बहुत कम था। और यहाँ पे बन रहा है चिकन, चिकन चिकन। सैटरडे को हमारे घर पे तो चिकन बनता ही है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चिकन विकन की तैयारी यहाँ हो रही है, मसाले वसाले की। अब मैं जाती हूँ चेंज करने, फिर मैं बनाऊंगी चाय और खाऊंगी मैं रोटी वगैरह, फिर मिलती हूँ। हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, जैसा कि दिख रहा है आप सभी को। तो सुबह मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने नहा लिया, घर का सारा काम वगैरह कर लिया, झाड़ू पोछा जो मैं घर पे रहती हूँ तो करती हूँ, चोट भी लग गया मुझे, तो वो सब कंप्लीट करने के बाद मैंने नहा लिया, कपड़े वपड़े भी धो लिए और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। रोटी भी बना लिया मैंने और राजमा बनाया हुआ था, तो राजमा वगैरह, राजमा रोटी खाऊंगी। और तो ये मैंने बेडशीट चेंज की है और मैंने सारा काम वगैरह कंप्लीट कर लिया और अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब सब कुछ गर्म वर्म कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे खाना बिल्कुल गर्म अच्छा लगता है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या खा रही हूँ। तो ये देखें, ये राजमा है और ये रोटी बनाई है मैंने गरम गरम, इसमें मैंने घी डाला है, ये राजमा बनाया हुआ था मैंने और ये मैंने चिकन गरम किया है। चिकन कल बना था तो बहुत यम्मी बना हुआ था, मैंने नहीं बनाया था, दीदी ने बनाया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं खा लूँगी। और सुबह मैंने ये नहीं खाया था तो इसको मैं रोटी बनाते बनाते खा रही थी। अब मैं खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉगिंग, मेरा वीडियो, आप लोग ज़रूर बताएं मुझे जो पहले से देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स को। और बीच में मैं थोड़ी सी ज़्यादा बिजी हो गई थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं मतलब वीडियो एडिट वगैरह करके डालूँ, मतलब सब चीज़ करके मुझे बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। और आप लोग तो जानते ही, मैं हमेशा डालती रहती हूँ, 4-5 दिन में तो मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि डेली का डालना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि डेली में क्या ही दिखाऊंगी, वही सेम रूटीन और वो सब, तो इसलिए 2-3 दिनों का हो जाता है तो उसको मैं इकट्ठे दिखा देती हूँ। तो यही रहा मेरा। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कभी कभी तो मैं ठंड से मर जाती हूँ जब मैं इवेंट पर जाती हूँ, और अब मैं गर्मी से मर रही हूँ घर में, और बाहर जाने का भी मन नहीं करता ऐसी गर्मी में, तो शाम से पहले तो निकला ही नहीं जाता, मुझे निकलना था कहीं लेकिन अब शाम होगी तो ही निकलूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स को लाइक करते रहें, मुझे प्यार देते रहें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अगर मेरे ब्लॉग्स को देखते रहते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। ओके, मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से कुछ तड़कता भड़कता सा लेके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ चलो काटो। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday dear Gogo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तुम अपनी आवाज़ क्यों घुसा रहे हो? एक वीडियो बना के वहाँ स्टॉप करके फिर दूसरा बना देते ना? क्या वहाँ से एग्जिट कर देगा? मैं तुम्हें फोन दे रही थी, यू डिडंट क्लिक माय पिक्चर, वीडियो ही बना रहे हो अभी तक। तो मसले का अब हुआ है वो बना रही हूं। ओ फोटो, रुको रुको, फोटो खींचेंगे, चाओ खिलाओ उसको। ए आ इधर, एक मिनट रुको, जाना गोगो, रुको ना, टेडी कहीं नहीं जा रहा, इधर आ आ जाओ।
गोगो खाए केक, हैप्पी बर्थडे गोगो। और कल मैं गई हुई थी अपनी दीदी के बर्थडे, दीदी की बेटी के बर्थडे पे, दीदी के बर्थडे पे बोल रही हूँ, दीदी की बेटी का बर्थडे था, मतलब मेरी नीस का। तो उसका मैं ज़्यादा व्लॉगिंग तो नहीं कर पाई क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि घर पे कितना सारा काम हो जाता है और ये सब, तो मेरी दीदी खुद ही कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो अकेले उसने सब कुछ किया था मैनेज, हम शाम को गए थे तो इसलिए ब्लॉगिंग ज़्यादा मैं नहीं कर पाई हूँ। जो बीच का बस जो थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना था उसके केक वेक कटने का, वो सब तो वो मैंने ले लिया था, तो वो यहीं पे मैं डाल रही हूँ, आप लोग देख लेना और बताना मुझे कि कैसा लगा।